Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study Abrotanum Remedy. So Abrotanum हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं from Allen's keynote which is by H.C. Allen. So ये जो remedy होने वाली है आपको post graduation के preparation के लिए भी useful होने वाली है as well as for your practice as well as for your exam point of view. So let's study this remedy in detail. Abrotanum. Abrotanum का common name है Lady of Love. सदर्न वुड, ये दोनों भी उसके कॉमन नेम है. देन इट इज इट बिलोंग्स टू द कंपोजिटिव फैमिली. उसके बाद पार्ट यूज्ड इज पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ये पार्ट यूज्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बट यूजी के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है. सो ये स्किप कर सकते हो यूजी स्टूडेंट्स. पार्ट यूज्ड इज लीव्स एंड यंग शूट. ठीक, सोरा इज इन द बैकग्राउंड. चिली रेमेडी है, पेशेंट इज चिली. इन ह्यूमन एंड क्रूएल टेम्परामेंट है. इट बिलोंग्स टू इनह्यूमन एंड क्रूएल टेम्परामेंट. बहुत ज्यादा रूड वाले किस्म के बंदे रहते हैं ये लोग. फिर ट्यूबरकुलर डायथेसिस होता है इनमें. फिर एब्रोटैनम में क्या क्या आता है, इट इज यंगर ब्रदर ऑफ ट्यूबरक्यूलिनम. मतलब इसको है ना ट्यूबरक्यूलिनम का यंगर ब्रदर क्यों कहा जाता है, जस्ट बिकॉज की है ना जो भी ट्यूबरक्यूलस के सिम्टम्स रहते वो सारे सिम्टम्स इन अ एक्यूट फॉर्म, इन अ लेस इंटेंस फॉर्म एब्रोटैनम में होते हैं. ठीक है, तो अभी देखेंगे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन. मैरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन विथ मार्क इमेसिएशन स्पेशली ऑफ द लेग्स. इमेसिएशन, इमेसिएशन का मतलब क्या होता है, तो इमेसिएशन मतलब थिनिंग ऑफ द बॉडी, मतलब छोटा होना, बहुत पतला होना. इमेसिएटेड, कैकेक्सिया, इमेसिएटेड, ये सिम्टम्स किसके है, तो ट्यूबरक्यूलस के सिम्टम्स है. ट्यूबरक्यूलर डायथेसिस के लोग हमेशा ऐसे ही मिलेंगे आपको, और ट्यूबरक्यूलोसिस इसमें डिसीज में भी लोग ऐसे ही मिलेंगे. बहुत पतले दुबले पतले से लोग रहते, ऐसे सिकुड़ से गए हुए लोग रहते, उनमें कोई जान ही नहीं रहती, मुरझाए हुए एकदम लुकड़े सुकड़े से लीन से लोग रहते हैं. ठीक है, मैरेस्मस ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली ऑफ लेग्स. मतलब बॉडी अगर अच्छी खासी होगी लेकिन है ना लेग्स ही बहुत पतले पतले से ऐसे ही नीचे पतले पतले से आते हैं. तो ये अलग अलग रेमेडीज में भी है, तो आयोडिनम में भी है. तो है ना ये हम लोग ब्रैकेट रेमेडीज इतना रीड नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज कि हम लोग एब्रोटैनम पढ़ रहे हैं, तो एब्रोटैनम पढ़ेंगे, लेकिन ये आप याद रख सकते हो फॉर योर सेक. ठीक है, द स्किन इज फ्लैबी एंड हैंग्स लूज इन फोल्ड्स. मतलब कैसे, देखो अभी है ना हाथ की स्किन फ्लैबी होएगी, मतलब जो भी हाथ का जो स्किन रहता है लाइक बाइसेप्स ट्राइसेप्स जैसे रहते हैं वो साइड, एक्सिलरी रीजन के साइड में, थाइज में बहुत फ्लैबी सी स्किन रहती है. काफ मसल बहुत फ्लैबी सा मसल रहता है. फिर उनका हिप भी बहुत फ्लैबी रहेगा, तो दिस टाइप ऑफ देयर स्किन विल बी लूज हैंगिंग आउट लाइक अ स्किन. देन मेंटली चाइल्ड इज इल नेचर्ड, बहुत गंदा बिहेव करने वाला चाइल्ड. इरिटेबल, बहुत इरिटेबिलिटी रहती है उनमें, मतलब मेंटल इरिटेशन बहुत रहता है उनको. क्रॉस एंड डिस्पोंडेंट, मतलब उल्टा जवाब देते हैं, बहुत ऐसे उल्टा बात करेंगे वो लोग, मतलब बहुत इल ह्यूमरस लोग रहते हैं, मतलब इल ह्यूमन जिसको हम लोग बोलेंगे या फिर इनह्यूमन भी हम लोग बोल सकते हैं. तो है ना ये इल नेचर्ड वाले ही लोग रहते हैं, बहुत बदतमीज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो बदतमीज से लोग रहते हैं इसमें. ठीक है, वॉलेंट इनह्यूमन वुड लाइक टू डू समथिंग क्रूएल. मतलब कुछ तो उनको ऐसे गंदा करने की आदत रहती है, कुछ इसका बुरा कैसे करूं मैं, इसका बुरा कैसे होगा, ये सब कुछ उनको बहुत अच्छा लगता है करने को. लॉस ऑफ होप और करेज, मतलब उनमें ना लॉस ऑफ होप होता है व्हेन देयर इज एट द एंड देयर इज लॉस ऑफ होप, लॉस ऑफ करेज विल बी देयर. देन ओजिंग ऑफ ब्लड एंड मॉइस्चर फ्रॉम द अम्बिलिकस. जब छोटे बच्चे रहते हैं ना, जब अम्बिलिकल कॉर्ड भारी रहती है, सूखी हुई नहीं रहती, तो वो सूखती नहीं है जल्दी, उसमें है ना मॉइस्चर बहुत रहता है, और है ना उसमें से खून भी बार 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 बाहर आता है. अगर जिस पेशेंट में अगर आपको दिखता है कि अम्बिलिकस सूखा नहीं है, अम्बिलिकल कॉर्ड सूखी नहीं है बच्चों में, एंड ओजिंग आउट बहुत ज्यादा ओजिंग आउट रहती है, तो है ना हम लोग एब्रोटैनम दे सकते हैं विथ, देखेंगे हम लोग इमेसिएशन ऑफ लेग्स है क्या, वो ना बहुत क्रैंकी बच्चा है क्या, सॉरी बहुत क्रैंकी बच्चा है क्या, बहुत चिड़चिड़ा सा बच्चा है क्या, दूध पीने में नाटक करता है, फिर मम्मी को ऐसे बाल वगैरह खींचता है, टैंट्रम्स थ्रो करता है, ऐसे टाइप का बच्चा है कि नहीं वो देखना चाहिए, देन ओनली वी कैन प्रिस्क्राइब दिस. ठीक है, फिजिकली रेवेनस हंगर,
थोड़ा भी पिलाने के बाद, दूध पिलाने के बाद फिर से भूख लगती है, खाना खिलाने के बाद फिर से खाना चाहिए, मतलब बार 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 उसको भूख लगेगी, ठीक है। लूजिंग फ्लैश वाइल ईटिंग वेल, मतलब वो खाना तो बार बार ही खाता है, रेवेन्यूस हंगर है, बार 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 उसको पेट भर पेट भर पेट भर उसको खाना चाहिए, बट वो लुकड़ा सुकड़ा होते रहेगा, मतलब उसका लूजिंग ऑफ वेट चालू ही रहेगा, ठीक है। इपिस्टैक्सिस एंड हाइड्रोसील इन बॉयज, इपिस्टैक्सिस मतलब नाक से खून आना, हाइड्रोसील मतलब स्कॉटम में पानी क्रिएट होना, या फिर उसको हाइड्रोसील बोलते, स्वेलिंग रहता है उसमें, तो पूरा ऐसे स्वेलिंग रहती है स्क्रॉटम में, ठीक है, टेस्टिकुलर स्वेलिंग, स्क्रॉटल स्वेलिंग, तो वही, ओके। फिर इन मेरेस्मस हेड विक कैन नॉट होल्ड इट अप, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं वो है ना, माइलस्टोन जो हेड होल्डिंग का जो माइलस्टोन है वो ज्यादा जल्दी उनका होता नहीं है, बहुत लेट होता है उनका वो माइलस्टोन, ठीक है। फेस, फेस हैज फेस इज ओल्ड पेल व्रिंकल्ड, जैसे मैंने आपको बोला मुरझाए गए हुए, तो वैसे रहते हैं। एंजियोमा ऑफ फेस मतलब इट इज अ बिनाइन ट्यूमर, ठीक है, तो वो बिनाइन ट्यूमर लाइक रेड स्पॉट्स रहेंगे, या फिर पूरा हाफ फेस वैसे ही रहेगा, या फिर आंख के उधर रहेगा, या फिर गाल पे नाक पे कहीं पे भी रहेगा, ऑन द फेस फेशियल नर्व का बिनाइन ट्यूमर रहेगा, तो एंजियोमा होता है, क्योंकि देर इज लॉट ऑफ ब्लड सप्लाई एंड दैट क्रिएट्स अ क्लॉट टाइप ऑफ सिचुएशन ओवर देर, एंड दैट इज कॉल्ड एज एंजियोमा इटसेल्फ। यू कैन सर्च, यू कैन गेट पिक्चर्स, अगर लगेगा तो, अगर मिलेगा तो आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। ब्लू रिंग्स अराउंड डल लुकिंग आईज, ब्लू रिंग्स मतलब ऐसे काले काले से जो डार्क सर्कल्स आते हैं, वैसे ब्लूइश, डार्क ब्लैकिश ब्लूइश, ग्रेइश ब्लूइश में उनको डार्क सर्कल्स टाइप ऑफ रिंग्स आते हैं आपके उधर ऊपर। गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, लेंटेरिया दैट इज पासिंग ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इन द फेसेस, मतलब जो भी खाते वही निकलता है, खाते निकलता है, मतलब ऐसे डाइजेस्ट ही नहीं होता है, और अल्टरनेट रहता है कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। स्टमक फील्स एज इफ स्विमिंग इन द वॉटर, मतलब ऐसे ग्रंटिंग टाइप ऑफ फीलिंग, ग्रगलिंग टाइप ऑफ फीलिंग भी उनमें रहता है बहुत। एक्सट्रीमिटीज, पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द लिम्स एंड फ्रॉम क्रैम्प ऑफ फॉलोइंग कोलिक, मतलब उनको है ना क्रैम्प बहुत आते हैं, काफ मसल में क्रैम्प बहुत आते हैं उनको। रूमेटिज्म, फॉर एक्सेसिव पेन बिफोर द स्वेलिंग कमेंसेस फ्रॉम सडनली चेक डायरिया और अदर सिक्रीशंस, मतलब है ना रूमेटिज्म एंड डायरिया या फिर अदर सिक्रीशंस की वजह से भी, लाइक इपिस्टैक्सिस हो गया होगा तो उसकी वजह से भी उनको है ना रूमेटिज्म विल बी अल्टरनेट इन देयर, अल्टरनेट विथ हेमोरॉइड्स ऑल्सो एंड विथ डिसेंट्री। सेंसेशन ऑफ बॉवेल्स आर सिंकिंग, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट ये अल्टरनेशन अल्टरनेट्स विद द हिमोरॉइड्स एंड डिसेंट्री, रूमेटिज्म इज देयर एंड विथ एवरी डिस्चार्ज रूमेटिज्म इज देयर, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी फॉर यू गाइज, ठीक है। नाउ इल इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस्ड कंडीशंस स्पेशली इन द गाउट, इल इफेक्ट्स ऑफ द सप्रेस्ड कंडीशन मतलब क्या कि है ना, मतलब गाउट को अगर है ना ठीक नहीं किया और आपने सिर्फ मेडिसिन दिए 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 एंड यू गेट सप्रेस्ड टू दैट, देन उसके भी साइड इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। रूमेटिज्म है, गाउट है, तो यू नो गाउट ही डायटिस हो गया, तो ऑल द रूमेटिक कंप्लेंट्स उसमें आ जाएंगे। ट्यूबरक्यूलर है तो ये सारे सिम्टम्स तो उसमें दिखाई देंगे। तो गाउट, जॉइंट स्टिफ स्वलन विथ प्रिकिंग सेंसेशन, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट पेनफुल एंड इनफ्लेम्ड, तो सेंसेशन कैसा है, तो प्रिकिंग टाइप ऑफ अ सेंसेशन है एब्रोटेनम में, तो ये ध्यान में रखने की बात है कि प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन है गाउट में। जॉइंट्स कैसे है, स्टिफ एंड स्वलन, स्टिफ है स्वलन है विथ प्रिकिंग सेंसेशन है, तो एब्रोटेनम आप सोच सकते हो। रिस्ट में और एंकल जॉइंट्स कैसे है, पेनफुल है एंड इनफ्लेम्ड है, तो आप लोग ये ध्यान में रखना। Very lame and sore overall, all over. Sore feeling, very lame and sore feeling. तो अभी बताओ, lame and sore feeling कहाँ पे होती है, आदमी का भी होती है, तो एब्रोटेनम में भी वही होती है। तो है ना, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, की नोट क्या है, की पॉइंट क्या है इसमें, तो प्रिकिंग सेंसेशन अगर ये होगा सब ठीक है। इट इज कॉमन सिम्टम्स टू मेनी अदर रेमेडीज, बट प्रिकिंग टाइप ऑफ अ सेंसेशन इज क्वाइट डिफरेंट, तो सेंसेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैरेस्मिस ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज ओनली वी हैव स्टडीड, तो ये ध्यान में रखो। ग्रेट वीकनेस एंड इन्फ्लुएंजा, उसमें बहुत ग्रेट वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा वीकनेस होता है, ऐसे क्रैम्प्स रहते हैं काफ में, तो वीकनेस की वजह से होते हैं।
इन्फ्लुएंजा उनमें बहुत जल्दी पकड़ लेता है। फिर फीवर में क्या है, वीक ग्रेट वीकनेस प्रोस्ट्रेशन दैट इज वीकनेस, मतलब बहुत ऐसे उठ ही नहीं पाते, एंड काइंड ऑफ हेक्टिक फीवर विद चिल्ड्रन अनेबल टू स्टैंड, लाइक चिल एंड स्वेट स्टेज एक साथ आती है, चिल स्वेट, फिर हीट स्टेज अलग से आएगी, फिर बीच में स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, फिर चिल्स हो जाएंगे स्वेट ठंडा होने के बाद, फिर फीवर चढ़ने लगेगा, दिस टाइप ऑफ हेक्टिक फीवर इज देयर। देन स्किन इज इचिंग चाइल्ड ग्लैंड्स, मतलब स्किन सोर्स अकर ड्यू टू द एक्सपोजर टू द कोल्ड टेम्परेचर, चिल ग्लैंड्स। तो है ना, क्यों चिल ग्लैंड्स होते हैं, तो है ना अगर बच्चे थोड़े से है ना थोड़े से भी पानी में अगर हाथ डालते, एक तो वो ड्राइनेस बहुत है, मेरास्मस है उनमें, एनीमिक चिल्ड्रंस है, अगर वो है ना ठंडे में हाथ डालते हैं देयर विल बी चांसेस ऑफ लाइक कोल्ड बर्न्स, ठीक है, कोल्ड बर्न्स के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो है ना उसकी वजह से है ना वहां पे इरिटेशन, इचिंग है, सोरनेस होता है वो जगह पे। देन आफ्टर रिलेशन में देखेंगे हम लोग, रिलेशन इज आफ्टर हिपार इन फ्यूरेंकल, तो है ना हिपार सेल्फ कब देते हैं, जब पस्चुलर फ्यूरेंकल्स में, पस्चुलर फ्यूरेंकल्स मतलब टोज के इधर, पहले तो वो जान लो, टोज टोनेल है ना हमारे पैर का, तो पैर के टोनेल के इधर यहाँ पे ना ऐसे चीर पड़ जाती है, और है ना वहां का नेल बेड जो है ना डीप चला जाता है, यहाँ पे गैप छोड़ देता है, और वो स्किन के अंदर ऐसे लगता है कुछ तो है, एंड देयर गॉट यू नो पस्चुलर इरप्शंस वहां पे आ जाते हैं, तो दैट पस्चुलर इरप्शंस एंड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, दैट थिंग ओवर हियर विथ ऑल द इन्फ्लेमेटरी साइंस ओवर हियर इज कॉल्ड एज फ्यूरिंकल्स। सो है ना वहां पे फ्यूरिंकल्स भी रहेंगे। देन आफ्टर एक्नाइट एंड प्रायोनिया इन प्लूरसी, मतलब यू कैन गिव आफ्टर एक्नाइट एंड प्रायोनिया इन प्लूरसी व्हेन अ प्रेसिंग सेंसेशन रिमेन्स इन अफेक्टेड साइड इम्बेंडिंग रेस्पिरेशन, ऐसे सारे सिम्टम्स दिखेंगे तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। एग्रीवेशन एट नाइट एंड बाय कोल्ड, एमोलरेशन बाय मोशन, ठीक है। सो यस, दिस वॉज एब्रोटैनम रेमेडी, इट इज वेरी स्मॉल रेमेडी बट वी हैव टेकन इन डेप्थ, सो इसलिए वो 13-14 मिनट की होगी, बट इट इज वर्थ वॉचिंग रेमेडी। आई होप यू लाइक दिस टाइप ऑफ टीचिंग, आई होप इट इज हेल्पफुल फॉर यू गाइज, इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, एंड टिल देन बाय, थैंक यू।